इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आज मैंने पूरे कपड़े पहने हैं। मालिश बदल गई है। महालीज ने सोचा है कि ये इस जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सिर्फ यही है कि मुझे अपनी जिंदगी किसी के नाम कर देनी होगी, बस। वरना मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है? मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा है ना। सो इसी वजह से महालीज ने कहा कि आज से ये कोई ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने, एटलीस्ट रमजान तक तो, एटलीस्ट यू नो। तो क्योंकि मैं बहुत छोटी 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 चीजें चेंजेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और उस चेंजेस में ना ये भी एक चीज आती है। तो और भी मैं आपको ये चेंजेस ही बताती हूँ कि मैंने जो है ना 21 डे का चैलेंज स्टार्ट किया। आपको बताया था ना मैंने लास्ट फ्राइडे कि मैं 21 डेज का जो है ना मैं चैलेंज कर रही हूँ, यानी वेट मेरा बहुत काफी बढ़ गया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ना मेरा पेट दिख रहा होता है छोटा सा, तो वो मेरे मोटापा है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं है। ओके, वो मैं लगती प्रेगनेंट हूँ मगर आई एम नॉट प्रेगनेंट, मोटापा चढ़ गया। तो मैंने 21 डे का चैलेंज किया है और उसके हिसाब से ना मैं छोटी छोटी सी चेंजेस आ रही हूँ अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं 7 दिन कॉफी पीने के बजाय अब मैं सिर्फ 2 दिन कॉफी पीऊंगी हफ्ते में, ठीक है ना। तो वो थोड़ा बहुत कटिंग कर देता है। फिर मैंने ये कहा कि भैया मेरे को इस बोतल के जो है एटलीस्ट मुझे 6 ऐसी बोतलें रोजाना पीनी है, मगर आई एम अप टू 4 बॉटल्स अ डे, ठीक है। फिर मैंने छोटी चेंज ये लाई है कि मैं जो हूँ 7 दिन में सिर्फ 4 दिन जो है कार्ब्स खाऊंगी थोड़े थोड़े, और 3 दिन में बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाऊंगी। तो उससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से मैंने अपनी रिलीजियस उसमें भी हुए। मालीज मैसेज में एक को रिप्लाई, आपका मैसेज ना बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है शुमाइला जी, बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। तो आप एक काम किया करें, स्टार्स के साथ माया मारा करें, या अगर आप भेज सकती हैं वरना मुझे दिखता नहीं है। इट्स गोज वेरी फास्ट, टू फास्ट, ठीक है ना। उससे मुझे याद आता है कि मुझे पानी पी लेना चाहिए। ठंड पे आ गई। सो बात ये हो रही थी कि हमने कपड़े और मैंने अपना आउटलुक भी चेंज करने की कोशिश की है। मैंने कहा 30 डेज है तो चलो 30 डेज के लिए रोजे 30 या 31 जितने भी होंगे, मैंने कहा चलो यू नो थोड़े कपड़े वगैरह जो है ना प्रॉपर पहने जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है आज, ठीक है। तो जब तक के लिए आप जो है नीचे मैं कैमरा बंद करती हूँ यहाँ पर, ओके, और मैं चेंज करती हूँ और आप लोग जो है जमीन पर देखिए, क्योंकि बस वही हो देख वही देख, ठीक है। तो मैं चेंज करके आती हूँ जब तक कि आप लोग यहाँ बैठे, और मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। ओके ओके डोके, ज्यादा कपड़े पहनो ना तो उनको संभालना भी जरा मुश्किल होता है। छोटे छोटे कपड़े पहनो तो उनको नो प्रॉब्लम विद देम, यू नो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि आप जो है आराम से 2 तो पीस पहने होते हैं आपने, वो कहाँ जाने वो फिट होते हैं। गाइस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, अलम यहाँ आपको ना गुना देगा जो जो मेरा यहाँ पर शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। आप लोगों को गुनाह कबीरा होगा। 1 सेकंड, कैसा आउटफिट है मेरा, कैसा आउटफिट है मेरे का। मैं रमजान की शर्म करो यार, रमजान है वही तो कर रही हूँ मैं अभी। तो मैं कहता ना बड़ा लेक्चर दिया शर्म पे, यही तो कहा था मैं ना पूरे कपड़े पहन के आऊंगी। मैंने कहा मैं पूरे कपड़े पहन के आऊंगी, अब रमजान आया है तो मैंने कहा मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। आधे आधे कपड़े पहनने में कोई नहीं, मैंने ये चेंज किए। उतारोगी क्या, देखेंगे यार। आप लोगों को शर्म नहीं आती रमजान के महीने में? रमजान के महीने में है ना, डोंट डू दैट कयाम। माली सरकारी गॉर्जियस, थैंक यू वनीता जी, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ बगैर कपड़ों के, कितने खूबसूरत लगते हैं, राइट। हम आते ही नंगे हैं, ठीक है। करती हूँ शेयर मालिश फैंस वाले पेज पर, अल्लाह मियां नाराज ना हो, बद्दुआ ना दो। मैं तो बद्दुआ नहीं दे रही, ये कौन है? हाय मेरी जान, आपको देखता रहूं, हाय मैं भी आपको देखती हूँ। तुम सबसे बड़ा गुना हो, मैं अब देख रहा हूँ, माय गॉड ये तो रमजान है मालिश खुदा। मैंने क्या किया ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ पहन के या सब कुछ उतार के आती हूँ, बस खत्म हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। ये लोग मेरे कपड़ों पे बात ही करना बंद कर दें। आई विल वेयर नथिंग,
खुले डुल्ले घूमो यार, अल्लाह मियां ने खुला डुल्ला ही आपको पैदा किया होता है, नंगे हाथ हो। अल्लाह मियां ने कहना ना कपड़े पहना के भेजा करो ना, अल्लाह मियां अगर कपड़े पहना देते तो, वो तो इंसान कपड़े पहना देता है आपको, वरना मरते भी हम नंगे ही है, नंगे ही जाते हैं ना, ये कपड़े बीच में कौन ले आता है? लाइक सीरियसली आई हेट वेयरिंग क्लोथ्स, यू आर सच अ बोल्ड पर्सन, बी वेयर फ्रॉम देम, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू विनय जी, खुदा की कसम जालिमा, है ना। और क्या डिशेज जी, खुला घूमो। मैं अपने जब कॉन्डो में रहती थी ना, यहाँ तो बहुत सारी, मेरे इस घर में ना खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, खिड़कियां दरवाजे, खिड़कियां दरवाजे, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मगर जब मैंने अपने कॉन्डो में मूव हुई थी ना, जो मेरे 3 महीने खूबसूरत गुजरे थे, हाय कितने फ्री थे वो, तो मैं टॉप फ्लोर पे रहती थी, और मेरी जहाँ पे खिड़कियां होती थी उसके आगे कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, हमारी खुला डुल्ला घूमती थी, तो रहती भी अकेली थी, यू नो, कैन आई बिकम योर स्लेव? नहीं, मगर उजामा जी आप मेरे ओनली फैंस पे जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। So, यार आप कभी घूमे हो आराम से खुला डुल्ला? एवरीवन, मैं कहती हूँ कि हर किसी को जिंदगी में एक दफा आराम से घर में ना अपने खुला नंगा घूमना चाहिए। जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ना वो फ्रीडम, कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया आपने, कोई है ही नहीं, आराम से अकेले घूमो। मैं कौन से कह रही हूँ सबको दिखा के घूमो, यू नो। चलें गाइस, मुझे यूं बैठे बैठे ना मेरी कमर दुख रही है, अब मैं जो है ये राज फाश कर दूं, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। गाइस रेडी हो, अपनी आंखें बंद कर लो सब लोग, अब वो दिखने वाला है जो आप देखना नहीं चाहते, आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। फेसबुक पे देखें जरा क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेसबुक दिख नहीं रहा। तो गाइज अब आप लोग आंखें बंद कर लो सब लोग प्लीज, स्पेशली हमारे मोमिन हजरात आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब मैं जो दिखाने वाली हूँ आपके देखने का नहीं है। आपके सारे जितने रोजे रखे ना सारे टूट जाएंगे, सारे टूट जाएंगे, सब पे पानी फिर जाएगा, सब पे पानी पानी। और मैं नहीं चाहती कि इसकी जिम्मेवार मैं बनू ना, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी। चेहरा तो दिखा दो, दिखा तो रही हूँ चेहरा, यहाँ पे भी तो लोगों से बात करनी है ना। आई एम लाइक दिस, आज मेरी गर्दन की बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा, हमारी एक सुपर चैट मिस हो गई यहाँ पे, कनिष्क कोट कह रहे हैं यू शुड वेयर येलो टू पे होमेज टू फरज गुज्जर। कनिष्क जी आपने मिलियन डॉलर्स क्यों नहीं मांग लिए आज? मेरी नानी ना हमेशा एक बात कहती थी हमेशा ना मुंह से अच्छी बात निकालो ताकि, क्योंकि कभी पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए, राइट। तो आपको कनिष्क को जी, आपको अभी जो है ना, आपको यहाँ पर $100 मार कर आपको ये बोलना चाहिए था कि मालिक मेरे को $1,000,000 मिले और आपको मिल जाने थे, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना, क्योंकि मालिक ने आज वही पहना है। देखिए क्या हुआ तुमको, अभी कुछ नहीं हुआ है, जिस वक्त होगा, जब होगा, मैं आपको सबसे पहले आपको ही खबर करूंगी, ठीक है, सही है। सो गाइस आपको क्या लग रहा था कि मैंने ऐसे ही बैठे, देखिए कनिष्क जी आपकी दुआ कबूल हो गई, मैंने येलो ही पहना हुआ नीचे। अब आ गई समर, आई रिस्पेक्ट यू बीइंग सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए येलो अब आ गई है ना, समर टाइम आ गया है, तो महली जो है छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए बैठी होती है यार। हमको सिर्फ 2 महीने तो मिलते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए, उसके अलावा आप मुझको सारा दिन रोब में ही देखो कि मैं लिहाफ ओढ़ के घूम रही होती हूँ। हाय, व्हाट आई वुडंट गिव जस्ट टू गो आपका जिस्म दिखाने से रोजा पक्का हो जाएगा। अरे हमारे जाने वाले हैं, बस हम क्या करें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।